जय भीम। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई बुरी बात बताई गई होगी यहाँ जो जोश कम हो गया, अच्छी चीजें बताई गई। तो मुझे यहाँ बुलाया गया उसके लिए जो है मैं अनुज भाई का और उस पूरी टीम का जो बहुजनवुड की है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानित मीडियाकर्मी और जो साथी यहाँ पहुँचे हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, उनका भी मैं दिल की गहराई स्वागत करता हूँ। परम पूजनीय बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध और इसके साथ जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, मैं समय की पाबंदी करता हूँ आज क्योंकि मुझे कहीं जरूरी जाना पड़ रहा है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत थोड़े शब्दों में आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, उसे सुनना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। हम अपने देश में आज भी मांग रहे हैं, हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और उस हिस्सेदारी को मांगने पर हम जो हैं इस देश में कभी नक्सली हो जाते हैं, कभी आतंकवादी हो जाते हैं। हम मांगना भी छोड़ दें अगर सरकार व्यवस्थाएं कर दें, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जिसमें हमारी हिस्सेदारी ना आज है ना कभी होगी, तो हमें जो कुछ भी लेना है पाना है वो अपने दम पे प्राप्त करना पड़ेगा और वो बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। तो अर्जुन भाई नौजवान हैं, समय समय पे मुझसे बात करते रहते हैं, तो जब इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने अर्जुन भाई को कहा भी होगा कि तुम तो छोटे बच्चे हो भी, नादान हो, क्या करोगे, इस काम को छोड़ो, कोई वैसा काम ढूंढो जिसमें तुम्हें रोजगार मिल जाए। तो साहब हम सीख रहे हैं, मैं हूँ, अर्जुन है और बहुत सारे साथी, हम लोग सीख रहे हैं काम करना कुछ अच्छा करने के लिए। हमें आप लोगों के साथ की जरूरत है। ये चेहरे पे जो दो नकाब लगाए हुए प्लीज इन्हें उतार दीजिए, खराब हो जाएगा सर। ये जो दो नकाब लगा के आप लोग घूम रहे हैं ना, इन नकाबों से सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज 25 जुलाई ऐतिहासिक दिन है। आज क्रांति की देवी फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। रेवोल्यूशन हमारे ब्लड में और हमने समय समय पर उसको प्रभावित भी किया, चाहे 2 अप्रैल हो, चाहे भीमा कोरेगांव हो या अन्य कोई समय हो। तो इस ये जो प्रोग्राम बना है और इसमें जो 6 कॉन्सेप्ट दिए हैं जो मूवी बनाने के लिए, वो 6 के 6 बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप इन चीज़ों को, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास भी आज के समय में, तो आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप आधा घंटा लगा के अर्जुन की बनाई गई पिक्चर जरूर देखें। तो जब आप पे समय हो, आप कहीं यात्रा कर रहे हो, आप कहीं बैठे हो, आप कहीं फ्री हो, आप रिलैक्स होना चाहते हो या कभी कुछ सीखना चाहते हो, तो उस समय अगर आप इन पिक्चरों को देखोगे तो विश्वास कीजिए आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब भी कह के गए कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बस छोटी सी जानकारी शेयर करूं तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हिमा दास ने 6 गोल्ड जीते हैं। और बुरी बात है कि हम फेसबुक पे बधाई के साथ, ट्विटर पे, सोशल मीडिया बधाई के साथ ये भी कह रहे हैं कि और लोग भी हिमा दास को पहचाने कि वो बहुजन समाज की बेटी। हम ये भी तो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वो सम्मान नहीं मिल रहा जो होना मिलना चाहिए था उसको। ये मैं झूठ कह रहा हूँ क्या? तो ये महसूस कर रहे हैं, नहीं महसूस कर रहे हैं? आज जब याद हो आप लोगों को, जब इंडिया वर्ल्ड कप हार के आती है तो एक सवाल हो रहा था कि उनकी जाति चेक की जाए कि वो कौन लोग हैं जो इंडियन टीम में। बाहर के देशों की जिनकी तुलना हम करते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि रंग से, जाति से आदमी के काम की तुलना नहीं हो सकती, उसके टैलेंट की तुलना नहीं हो सकती, मगर आज भी भारत इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो इसे स्वीकार करना, करवाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं, ये देश हमारा है। तो इसमें अगर कुछ बुरा हो रहा है जो आज के समय में हो रहा है, तो वो हमारी कमजोरी है कि हम लोग चुप हैं। अगर हम लोग गलत का विरोध नहीं करेंगे तो जुल्म, अन्याय और गलत जो भी हो रहा है वो बढ़ेगा।
मैं इससे हटके भी कहना चाहता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम पास किए बिना जब आईएएस बनेंगे तो ये देश में सर्वोच्च बचा क्या? फिर क्यों पढ़ रहे हैं हमारे लोग, क्यों तैयारी कर रहे हैं? सरकारें भी चली जाएंगी, वो कुर्सियों बैठे रहेंगे, तो नीति वो बनाएंगे, तो जब हमारा प्रतिनिधित्व होगा ही नहीं ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, जब हमारा होगा ही नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा ना। तो बना अर्जुन भाई ने बना बहुजनवुड, मुबारकबाद आप सब लोगों कि आपने साबित किया कि हमें अपने दम पे अपनी चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी। और अगर इसे किसी और का सहारा लेना पड़ा, याद रखना मेरी बात को, तो ये भी वही काम करेगा जो दूसरे लोग करते आए हैं। अगर इसे तुम अपना सहारा दे के रखोगे तो लिख के देखना, तुम याद रखना कि इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये सहारे का मोहताज हुआ ना, तो विश्वास करना ये भी वही करेगा जो दूसरे लोगों ने किया है। उंगली उठाना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसमें स्वाभिमानी के तौर पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है, और जिसमें काबिलियत है उसको दिया नहीं दिखाया जाता। घर से निकल के अपने परिवार को छोड़ के आइए तो सही मैदान में, पता तो लगे, माँ हाथ खींच लेती है जब पता लगता है कि वहां बेटा जाएगा तो मर सकता है, मुकदमा हो सकता है, जेल हो सकती है, तो घर वाले कहते हैं अपना काम कर ले। ये अगर हम कहीं से सीखे हैं सब लोग, तो वो सीखे अपने महापुरुषों के संघर्ष से, उनके बलिदान से, जिसकी परवाह उन्होंने नहीं की। अगर इस जीवन की परवाह की होती तो मेरे आदर साहब काशीराम आज इस अवस्था में मुझे छोड़ के नहीं जाते। आज अगर हम यहाँ लोग बैठे हैं तो आप जानते हैं कि बाबा साहब की वजह से, लेकिन हम बाबा साहब को लौटा क्या रहे हैं? हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम भी कुछ लौटाएं। लेकिन हम, मैं एक कड़वी बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि हम तो उन ब्राह्मणों से भी ज़्यादा अपअप है ना, अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम विरोधी हो जाएंगे, और फिर हम वो सब कुछ करेंगे जो हम साथ रहते नहीं कर सकते थे। तो मुबारकबाद ऐसे समाज को, बहुत बहुत मुबारकबाद। विश्वास कीजिए, बीज हैं, इन चीज़ों से टूटने वाले नहीं हैं, खूब प्रयास कीजिए। और एक 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 बहुजन समाज का नौजवान, बहनें वीरता की मिसाल हैं और कायम करेंगे। अर्जुन को मैं कहना चाहता हूं कि अपने भरोसे रहना अर्जुन, विश्वास करना छोटे भाई, अपने भरोसे रहना। सहारे की जरूरत तब लेना जब इस दुनिया से जाओगे, उससे पहले सहारे की जरूरत मत लेना, अपने भरोसे रहना। ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें इतना बड़ा कर देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते, और ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी टांग को तुम्हारे बराबर में बैठ के खींचेंगे कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा अपना कौन है, पर आया कौन है। तो ये जो काम तुमने किया है इसके लिए मुबारकबाद। हम तुम्हारी धन से मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बार बार तुम्हारे लिए प्रयास करेंगे, लोग तुम्हारी मदद करें। चीज़ों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें समझाया था। 100 सवाल होंगे, जवाब तुम्हारा एक ही होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। अपने ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि आप में अपना भरोसा, अपने अंदर भरोसा आ जाए। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे जो इस देश में हमारा बैठता है। तो सोशल रेगुलेशन के साथ इकोनॉमिक रेगुलेशन भी जरूरी है। सोचिए, हम पैसा तो कमाएं और देते रहे उनको, तो जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी बड़ी बहन कह रही थी यार अरुण देती जी कि सबसे मजबूत तंत्र कौन सा है देश में, तो कह रही आरएसएस। मैं एक मिनट गौर फरमाना चाहता हूं, कुछ तो है उनके अंदर कि हमें यहां उनकी बात करनी पड़ रही है, हमारे हर एक व्यक्ति को बात करनी पड़ती, कुछ तो है, नकारा लोग नहीं है वो लोग, समर्पण है उनके अंदर जो हमारे लोगों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसा समर्पण जो अड़िग है, जो सिर्फ उद्देश्य से देखता है। अगर उद्देश्य से नहीं देखता तो नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा के नहीं लाता, उससे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे यहां, एक से एक तुर्रमबाज बैठे हुए थे, लेकिन वो वहां से उठा के लाया क्योंकि वो अपना उद्देश्य देख रहे थे कि हमें सत्ता कैसे प्राप्त करनी। यहां आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है, अगर खड़ा भी है तो टांग खींचने को, धक्का देने को नहीं कि चलो आगे बढ़ो। तो इस रास्ते को बढ़ने के लिए, कभी आपने देखा एक पेपर तैयार करके दिखाया जाता है कि बहुजन समाज के लोगों के लिए रास्ता कैसा है, और उन जो तुम्हारे विद्रोही उनके लिए रास्ता कैसा है, तो उसे समझना पड़ेगा। बहुत मौके आएंगे,
खुद को साबित करने के, पहले चलो मिलके जो हैं अपना वजूद बचा लेते हैं, इस देश का संविधान बचा लेते हैं, और संस्कृति तो हमारी है नहीं तो क्या बचाना है, अपने लोगों का क्या जीवन बचा लेते हैं, वरना बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। आज बहुजन मीडिया है तो हम लोग देख लेते हैं, वरना सोनभद्र जैसी घटनाएं कहाँ देखने को मिलती, चूरू जैसे मामले जहाँ रक्षक बक्षक हो जाकर रेप कर लेते हैं 8-8 लोग, कहाँ मिलते हैं देखने को। तो वो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है बहुजन मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, वो ताकत है हमारी, उसे बना के रखनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ बुलाया, आपको सब लोगों को मुबारकबाद, मंच पे जो अतिथि मौजूद हैं उन सब लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय छोटे भाई के लिए दिया, बहुजन मीडिया की पूरी टीम को मुबारकबाद, अर्जुन भाई की पूरी टीम को मुबारकबाद, यहाँ पहुँचे सभी एक एक क्रांतिकारी साथी को मुबारकबाद। मैं निवेदन करता हूँ, जाने की इजाज़त चाहता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बस अंतिम लाइन सिर्फ वो मेरे लिए, देखो कितनी बेचैनी हमारे नौजवानों में, विश्वास कीजिए कितने भी कठिन रास्ते हों, सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, समाज के लिए बेहतर करने के लिए कुछ भी करना पड़ा किया जाएगा, लेकिन साहब काशीराम को सपने को पूरा किए बिना जो है ना चंद्रशेखर मरेगा ना भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता मरेगा, लड़ेंगे। जय भीम।